विकी कौशल के हाथ से निकला बड़ा प्रोजेक्ट। मेकर्स ने कहा, हमें विकी पर भरोसा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। आज से करीब 2 साल पहले पॉपुलर मूवी मेकर रॉनी स्क्रूवाला ने अपनी सुपर हीरो फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म के डायरेक्टर के रूप में आदित्य धर को चुना गया था, जिन्होंने विकी कौशल के साथ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हिट मूवी दी थी, जिसके बाद आदित्य धर ने द इमोर्टल अश्वत्थामा फिल्म के लिए भी अश्वत्थामा के लीड रोल में विकी कौशल को ही चुना था। लेकिन आप जानते ही हैं कि बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड मूवीज का कितना बुरा हाल हो रहा है। इसी वजह से रॉनी स्क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर विकी कौशल और आदित्य धर ने कई प्रोडक्शन हाउसेस से डिस्कशन किया और फाइनली जियो स्टूडियोज ने इस फिल्म को बनाने के लिए हाँ कहा था। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, उसने विकी कौशल के करियर को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो स्टूडियोज का कहना है कि द इमोर्टल अश्वत्थामा फिल्म का बजट काफी ज्यादा है और हम इस प्रोजेक्ट के लिए विकी कौशल को लीड रोल में कास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि जहां बॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज फ्लॉप जा रही हैं, ऐसे में विकी के ऊपर 225 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा और वो किसी बड़े एक्टर को लेकर ही ये फिल्म बनाना चाहेंगे। दोस्तों, द इमोर्टल अश्वत्थामा फिल्म के लिए जियो स्टूडियोज की पहली पसंद ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह है। हालांकि आदित्य धर अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जियो स्टूडियोज के साथ डिस्कशन में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें विकी कौशल को ही इस फिल्म में कास्ट करना है। तो अब देखते हैं कि आखिर कौन बनता है इंडियन ओरिजिन सुपर हीरो द इमोर्टल अश्वत्थामा। वेल, आप अश्वत्थामा के कैरेक्टर में किस एक्टर को देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड नजर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।